हेलो स्टूडेंट्स, डाउट हर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं गणित के अध्याय 11 की प्रश्नावली 11.1। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। ज्ञात कीजिए नंबर एक भूखंड का क्षेत्रफल, नंबर दो भूखंड का मूल्य यदि एक वर्ग मीटर का मूल्य 10,000 रुपये है। बच्चों, पहले पार्ट में हमें भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। भूखंड हमारा आयताकार है, आयताकार भूखंड की हमें लंबाई दी हुई है 500 मीटर। आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमें दी हुई है 300 मीटर। बच्चों, आयताकार कोई भूखंड हो या कोई भी आयताकार चीज़ हो, उसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है, या ये कहें कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर ये भूखंड आयताकार है, तो यहाँ पर हम आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाएंगे। तो भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, भूखंड हमारा है आयताकार, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 500 गुणा 300, 5 गुणा 3 15, आगे 4 जीरो लग जाएंगी, वर्ग मीटर। दूसरे पार्ट में बच्चों हमें बताना है भूखंड का मूल्य यदि एक वर्ग मीटर का मूल्य हो 10,000। एक वर्ग मीटर भूखंड का जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है, बराबर है 10,000 रुपये। और भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? भूखंड का क्षेत्रफल है 1,50,000। तो 1,50,000 वर्ग मीटर भूखंड का मूल्य क्या होगा, वो निकालना है। बच्चों, एक वर्ग मीटर भूखंड का जो मूल्य है वो 10,000 रुपये है, तो 1,50,000 वर्ग मीटर भूखंड का मूल्य हो जाएगा ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या करेंगे? गुणा। 10,000 को गुणा कर देंगे 1,50,000 से, ये हमारे पास आ जाएगा 15 गुणा 1 15, 4 जीरो यहाँ पर, 4 जीरो यहाँ पर, 8 जीरो, इतने रुपए, 1,50,000,000,000। प्रश्न संख्या 2 है, एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। प्रश्न संख्या 2 में बच्चों में परिमाप दिया हुआ है, वर्गाकार पारक का परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले चाहिए उसकी एक भुजा, या उसकी कह सकते हैं लंबाई, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो उसकी हमें एक भुजा चाहिए। तो पहले हम परिमाप से हम क्या निकालेंगे? भुजा, फिर निकालेंगे क्षेत्रफल। परिमाप दिया हुआ हमें 320 मीटर। परिमाप अच्छो हमेशा होता है मीटर में, और क्षेत्रफल हमेशा होगा वर्ग मीटर में। परिमाप 320 है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, ये सूत्र है परिमाप निकालने का। ये बराबर किसके हो जाएगा? 320 के। यहाँ से हमारे पास एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 320 भाग में 4, ये हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर। एक भुजा की लंबाई आ गई 80 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए सिर्फ वर्ग की एक भुजा। भुजा हम निकाल ली 80 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा हमारे पास है 80 गुणा 80, 8 गुणा 8 64, और 2 जीरो लग जाएंगी, वर्ग मीटर, ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर हो और लंबाई 22 मीटर हो, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में बच्चों आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें लंबाई दी हुई है, हमें चौड़ाई बतानी है और फिर इसका परिमाप भी निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल और लंबाई, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और वहाँ से चौड़ाई को निकालेंगे। कोई भी आयताकार आकृति होती है, उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
क्षेत्रफल दे रखा है हमें 440, लंबाई दे रखी है 22 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई हमें निकालनी है। यहाँ से बच्चों हमारे पास चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी ये लंबाई इसके भाग में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, 440 भाग 22 ये हमारे पास आ जाएगा 20। जब हम 440 को भाग देंगे 22 से तो 22 दूनी 44 तो 20 आ जाएगा हमारे पास, चौड़ाई आ गई 20। अब हमें निकालना है इसका परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप हो जाएगा, सूत्र होता है बच्चों हमारे पास 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई है 22 और चौड़ाई हमने निकाल ली 20, 22 जमा 20 ये हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, परिमाप बराबर हो जाएगा, देखो हमारे पास है 2 गुना 22 जमा 20, 22 जमा 20 होता है 42, तो 2 गुना 42 ये हो जाएगा 84 मीटर, तो ये हमारा परिमाप होगा। प्रश्न संख्या 4 है, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बच्चों में परिमाप दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकालेंगे, तो परिमाप का सूत्र लगा करके हम वहां से क्या निकाल लेंगे, चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई दोनों होने के बाद फिर क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। तो करते हैं इसको, प्रश्न संख्या 4 में आयताकार शीट का परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें बच्चों मालूम करनी है और फिर हमें परिमाप भी निकालना है। तो पहले परिमाप दे रखा है, परिमाप का सूत्र लगाएंगे, आयताकार शीट का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, यह परिमाप, और किसके बराबर दे रखा है 100 के बराबर। यहाँ से बच्चों हमारे पास लंबाई जमा चौड़ाई हो जाएगी, 2 को इधर लेके आएंगे ये भाग में हो जाएगा, 100 भाग में 2 यानी 50 सेंटीमीटर, लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है 50 सेंटीमीटर। अब लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 35 जमा चौड़ाई, 35 का हमने मान रख दिया लंबाई का, बराबर 50। यहाँ से बच्चों चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी, 50 घटा 35, 50 घटा 35 15 सेंटीमीटर। अब हम परिमाप निकाल सकते हैं आयताकार शीट का, अब हम आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, कोई भी आयताकार आकृति होती है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमारे पास है 35 और चौड़ाई हमारे पास है 15, ये हमारे पास आ जाएगा 525 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम पहले निकालेंगे चौड़ाई और फिर निकालेंगे क्षेत्रफल।